गाइज, अगर आपके पास भी SBI का अकाउंट है तो अगर आप भी अपने SBI के अकाउंट में नेट बैंकिंग चालू करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने SBI के अकाउंट में भी आसानी से नेट बैंकिंग को चालू कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा और अपने SBI के अकाउंट में आपको नेट बैंकिंग चालू करके भी दिखाने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेट बैंकिंग चालू करने के क्या क्या बेनिफिट्स होगी। ओके, नेट बैंकिंग चालू करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसमें आप अपना आधार कार्ड अगर आपका लिंक नहीं है तो आप लिंक भी कर सकते हो, या फिर पैन कार्ड अगर आप लिंक करना चाहते हो तो पैन कार्ड भी वहाँ पर आप लिंक कर सकते हो, और अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पे मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो अपने अकाउंट के साथ। ओके, इसमें खास बात यह है कि आप अपने बैंक की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी निकाल सकते हो काफ़ी आसानी से। इसमें आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बैंक जाते हैं वहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तब वहाँ पे आपको अपने बैंक की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिलती है, बट इसमें ऐसा नहीं रहेगा। आपको नेट बैंकिंग अगर आपकी चालू हो जाती है तो उसमें आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को भी निकाल सकते हो काफ़ी आसानी से। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको अपने ब्राउजर में आना है, ब्राउजर में आने के बाद वहाँ पे आपको टाइप करना है onlinesbi.com। उसके बाद आप यहाँ पे SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको इसे वेबसाइट पे आने के बाद आपको इसे सबसे पहले डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है ताकि आपको अपने बैंक से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे डिटेल फिल करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पर करने के बाद आपके सामने इस तरह ये डेस्कटॉप साइट पर हो जाएगा। आपको इस तरह से जूम करना है और यहाँ पे आपको लेफ्ट में मिलेगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने आएगा ओके का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मिलेगा न्यू यूज़र और यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम। ओके, तो यहाँ पे हम न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा यूज़र ड्राइव रजिस्ट्रेशन न्यू यूज़र। ओके, यहाँ पे आपको अपने बैंक से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ फिल करनी है डिटेल्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना है जो आपके बैंक कार्ड पे आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको CIF नंबर डाल देना है, ये भी आपको अपने बैंक कार्ड पे यानी कि आपके पासबुक पे मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे ब्रांच कोड डाल देना, आपने जहाँ पे अकाउंट खुलवाया था उसका एक ब्रांच कोड होगा वो आपको यहाँ पे डालना है आपके पासबुक पे, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप बैंक जाकर ब्रांच कोड ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पे इंडिया से हैं तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे अब आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, जो भी आपके बैंक से लिंक होगा मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे फैसिलिटी रिक्वायर्ड, आपको इस पर क्लिक, यहाँ पे आपके सामने आएगा फुल ट्रांजेक्शन राइट्स, यहाँ पे लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट्स और व्यू राइट्स, तो यहाँ पे आपको सिंपली फुल ट्रांजेक्शन राइट्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अगर आप कोई भी वहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं व्यू राइट्स, तो वहाँ पे आप सिर्फ अपना बैंक का बैलेंस या फिर जो भी जानकारियाँ रहेंगी वहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल ट्रांजेक्शन राइट्स सेलेक्ट करते हैं तो आप वहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह भी कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा टेक्स्ट इमेज में जो या कैप्चा आपको नजर आ वो आपको यहाँ पे सिंपली सेम फिल कर देना और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, वहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर डाला था यानी कि आपके बैंक से जो भी नंबर जुड़ा होगा उस पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो आपको यहाँ पे फिल करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। सो आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव माई ATM कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट विजिट ब्रांच, यानी कि अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप बिना बैंक जाए ही अपना नेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं। और नीचे दूसरा ऑप्शन है आई डू नॉट हैव माई ATM कार्ड एक्टिवेशन बाई ब्रांच, यानी कि अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ATM कार्ड है तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कार्ड नंबर और यहाँ पे डिस्प्ले नेम यानी कि आपका जो कार्ड पे नेम रहेगा वो आपको यहाँ पे नजर आएगा और यहाँ पे कार्ड एक्टिव है। ओके, तो सबसे पहले आपको इस पर टिक करना है, यहाँ पे ये हमारा एक्टिव कार्ड है और यहाँ पे ये सही है तो हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे अभी। सो कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको मंथ और ईयर अपने कार्ड का चूज़ करना है और कार्ड होल्डर नेम आपको यहाँ पे चूज़ करना है, जो आपके कार्ड पे आपका नेम होगा वो आपको यहाँ पे डालना है, आपके ATM कार्ड का पिन क्या है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और नीचे जो आपको इमेज में कैप्चा दिख रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करके प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, अब यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नीचे गाइडलाइंस दिए हुए हैं जो आपको रीड करके अपना पासवर्ड और यूज़र नेम आप आसानी से बना सकते हो। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं योर यूज़र कैन बी अप टू ए मैक्सिमम यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स, यानी कि आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है Raju123, यहाँ पे इस तरह से यूज़र नेम अपना बना सकते हैं और पासवर्ड के लिए भी गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है, भी आपको यहाँ पे रीड करके पासवर्ड अपना बना लेना। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाते हैं। सो यहाँ पे अब हमने काफ़ी आसानी से इंटरनेट बैंकिंग में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बना लिया है। ओके, अब आपको करना क्या, आपको क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है।
क्लोज करने के बाद आप SBI की यहाँ पे होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। ओके, तो वहाँ पे हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बना लिया। अब यहाँ पे आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है और लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने आएगा यूज़र नेम और पासवर्ड और यहाँ पे आपको जो इमेज में कैप्चा दिख रहा है वो आपको यहाँ पे सेम फिल करना है और यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ओके, जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपके बैंक से लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड। उसको यहाँ पे आपको OTP को फिल करना है और सबमिट कर देना है। ओके, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है। आपने जो वहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम बनाया था वो आपका लॉगिन करने के लिए था, बट ये जो आप बना रहे हैं प्रोफाइल पासवर्ड वो अगर आप कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो आपको यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है। आपको यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल पासवर्ड डालना है, उसके बाद नीचे कन्फर्म करना है। नीचे आपको यहाँ पे हिंट क्वेश्चन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कभी प्रोफाइल पासवर्ड भूलते हैं तो आपको यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप आंसर देकर यहाँ पे इसको फॉरगेट कर सकते हो। ओके, और डेट ऑफ बर्थ आपको नीचे मिलेगा आपका, और यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए थे वो प्लेस आपको यहाँ पे डालना है। और आपको नीचे मिलेगा सबमिट का ऑप्शन, सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे कि ऑप्शन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने काफ़ी आसानी से SBI के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर लिया। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आप जो स्टेप मैंने आपको बताया वो फॉलो करके आप आसानी से इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हो SBI के। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा सभी प्रोसेस करने के बाद। यहाँ से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, आधार कार्ड पैन कार्ड अगर आप लिंक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको SBI की तरफ से काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी गई है जिसका आप यूज़ काफ़ी आसानी से कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोग।